हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जो भी जानकारी वीडियो में आपको बताई जाए वो अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्म लाइसेंस, यानी कि आपके पास यदि बंदूक है, पिस्टल है, तो आप उसका लाइसेंस यानी कि आप गन लाइसेंस किस तरह से नया बना सकते हैं, या फिर आपका जो लाइसेंस वो रिन्यूअल की स्थिति में होगा, या फिर आप अपने लाइसेंस को कैंसिल या फिर उसका एरिया बढ़वाना चाहते हैं, जो भी आपकी समस्या है इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। क्या करना है, ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। इस लिंक पर क्लिक करिए तो आपको भी इस तरह की वेबसाइट का जो इंटरफेस है देखने के लिए मिल जाएगा। आगे का प्रोसेस अब आप देखते जाइए। यहाँ पर आपको मेन्यू बार में एक अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन है देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको पहले नंबर पर रेड कलर का जो लोगो है और अप्लाई हियर लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नया जो इंटरफेस खुलकर आएगा आपके सामने वो कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर अब आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो पहला ऑप्शन आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। दूसरे में लिखा हुआ स्टेट होम डिपार्टमेंट डीएम एसडीएम अदर एमएचए, इस वाले ऑप्शन पर आपको भी क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह के नीचे जो ऑप्शंस हैं वो खुलकर आ जाएंगे। यहां पर आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, पहले नंबर पर मैन्युफैक्चर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन स्पोर्ट्स डीलर ये ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर केवल इंडिविजुअल कैटेगरी को ही सिलेक्ट करना है। आप अदर में से नहीं आते तो आप अदर को बिल्कुल भी सिलेक्ट मत करिए। देन आपको स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे सभी स्टेट की जो लिस्ट है आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो भी आपका स्टेट है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपको अपना जो जिला है सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहां पर नेम ऑफ द लाइसेंस अथॉरिटी के सामने सेलेक्ट पर क्लिक करना है। आपके डिस्ट्रिक्ट की जो भी लाइसेंस अथॉरिटी होगी, यहां पर हमारे केस में मजिस्ट्रेट चित्रकूट उत्तर प्रदेश यही शो हो रहा है। इसके बाद सर्विसेस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है। आपको कई सारे ऑप्शन यानी कि सर्विसेस देखने के लिए मिल जाएंगी। यदि आप एक न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म A1 फॉर ग्रांट ऑफ न्यू आर्म लाइसेंस इन फॉर्म सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और यदि आप अपने आर्म लाइसेंस को रिन्यूअल करना चाहते हैं, रिन्यूअल की स्थिति में आ चुका है, तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म A2 फॉर ग्रांट ऑफ रिन्यूअल ऑफ आर्म लाइसेंस इन फॉर्म सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और यदि आप अपने लाइसेंस को कैंसिल कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और यदि दोस्तों आप अपने लाइसेंस की एरिया वैलिडिटी को बढ़ाना चाहते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट से स्टेट करना चाहते हैं या फिर स्टेट से ऑल इंडिया करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ एरिया वैलिडिटी लाइसेंस ऑप्शन नंबर 6 को सिलेक्ट करिए। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। आप अदर भी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं, तो जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सर्विस चाहिए उसी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे आप ऑटोमेटिक आगे की तरफ रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। आपको अभी तक के सिलेक्ट सारे ऑप्शन शो करा दिए जाएंगे। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, आपको UIN का एक बॉक्स दिख जाएगा। आपके लाइसेंस की जो कॉपी होती है उसमें आपका UIN नंबर लिखा होगा, उसे डालने के बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है, देन इंटर कर देना है। कुछ इस प्रकार से आप ऑटोमेटिक आगे की तरफ रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपको 3 स्टेज पर कंप्लीट करना होगा। पहले स्टेज का नाम है आइडेंटिटी ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी कि आवेदक का परिचय आपको देना होगा, जिसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, फादर नेम, जेंडर, कंट्री, स्टेट, बर्थ डिस्ट्रिक्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, UIN नंबर जो कि पहले से ही डाला होगा। आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस अब डालना कंपलसरी हो गया, आपको डाल देना है। पैन नंबर है तो डालिए, नहीं तो नो मैंडेटरी, यानी कि मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए तो आवेदक का अब आपको एड्रेस डालना होगा। सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना होगा और मोबाइल नंबर और पुलिस स्टेशन वगैरह डालना होगा। सारी चीजें फिलअप करने के बाद आप नीचे देखेंगे आपको एक टिक बॉक्स दिख जाएगा, परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि ऊपर वाला एड्रेस और नीचे वाला एड्रेस दोनों सेम रहेगा, यानी कि आपका स्थायी और अस्थायी पता दोनों सेम है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर दीजिए। ऊपर का पूरा पता नीचे वाले बॉक्स में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके नीचे आपसे आपका ऑक्यूपेशन यानी कि आपका व्यवसाय पूछा जाता है। यदि आप स्वकार्यरत यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। और यदि आप एक सर्विसमैन या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह हैं तो आपको वो ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इसके बाद कैप्चे को फिल कर दीजिए। नीचे आप देखेंगे ब्लू कलर से नेक्स्ट एंड सबमिट की बटन आपको दिख जाएगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। आप सेकेंड स्टेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर अब आपको अपने एडिशनल डिटेल्स को फिल करना होगा। यहाँ पर आपको 8 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। पहले ऑप्शन पर कहा गया है कि यदि आप अपना लाइसेंस क्रॉप के लिए बनवाना चाहते हैं तो आप इसे टिक कर सकते हैं। तो यदि आप यहां पर टिक करेंगे तो आपको अपनी क्रॉप के डिटेल्स डालने होंगे, जैसे कि क्रॉप का विलेज डालना होगा और क्रॉप का जो एरिया है वो हेक्टेयर में आपको डालना होगा। यदि आप इसके लिए नहीं बनवाना चाहते तो आप इसे अनटिक ही रहने दीजिए। और यदि आप जो है अपनी फसल की रक्षा के लिए करना चाहते हैं तो आप टिक करिए। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लेने हैं। जो भी आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन सही है, आप जिसके लिए करना चाहते हैं प्रयोग, उस
उसको आप टिक करिए, अन्यथा की स्थिति में अनटिक ही रहने दीजिए। और यहाँ पर आपको एक सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिख जाएगा, द एप्लीकेंट हैज अ सेफ प्लेस टू कीप द आर्म्स एंड अंडरगार्मेंट प्री सब्सक्राइब्ड ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड अंडर रूल 30। दोस्तों आप लोग भी इसी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे टिक करेंगे तो इफ एस डिटेल्स दे आर, आप हिंदी में बताऊं तो हथियार को रखने के लिए आपके घर में या फिर आपके पास कोई सेफ जगह है तो यदि है तो इस ऑप्शन को आप टिक करिए और उस जगह का नाम यहां पर आपको डालना होगा। इसके बाद नीचे लिखे कैप्चे को आपको बगल वाले बॉक्स में सेम तरीके से फिल कर देना है और सबसे नीचे आपको नेक्स्ट या सबमिट की जो ब्लू कलर की बटन है उस पर क्लिक कर देना है। नया इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार का आएगा। दोस्तों यहां पर आपको भी कुछ इस तरह का एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर जो आपके डिटेल्स निकाले जाते हैं आपके UIN नंबर के थ्रू निकाले जाते हैं। आपके UIN नंबर रजिस्टर्ड होंगे तो आपका लाइसेंस नंबर यहां पर दिखा दिया जाएगा। आप डिटेल्स चेक करने के बाद यहां पर ऑरेंज कलर का एक क्लिक का बटन दिख जाएगा। इस क्लिक वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइसेंस के स्पेसिफिक डिटेल ऑटोमेटिक सारे के सारे फिलअप हो जाएंगे। आपको ऊपर एक मैसेज भी शो करा दिया जाएगा, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली एंड योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। इस रेफरेंस नंबर को आप कॉपी कर सकते हैं, आगे चल के ये आपको काम देगा या फिर आपकी बाई चांस वेबसाइट वगैरह बंद हो जाती है, एग्जिट हो जाते हैं, तो वापस से लॉग इन कर सकते हैं अपने रेफरेंस नंबर के थ्रू। तो यहाँ पर आपको अपना लाइसेंस नंबर लोकल लाइसेंस इशू डेट लाइसेंस वैलिड फ्रॉम डेट लाइसेंस वैलिड अप टू डेट एरिया वैलिडिटी नीड फॉर लाइसेंस स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी और इसके नीचे आपको कॉमन लाइसेंस एंड वीपी नोट में आपको अपने वीपीएन के सारे डिटेल्स चेक कर के बाद कैप्चे को फिल करके नेक्स्ट एंड सबमिट वाली ब्लू कलर के जो बटन उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ आपको इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको ग्रीन कलर का मैसेज एक ऊपर शो हो जाएगा, इसमें लिखा होगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर 15 से 20 डिजिट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। टू कंटिन्यू प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म काइंडली अपलोड इमेज, यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपनी फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप टू कंटिन्यू प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म काइंडली अपलोड इमेज हियर, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपको कुछ इस तरह का नया इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा जिसका फॉर्मेट JPG होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर का जो साइज हो 50 KB तक मैक्सिमम होना चाहिए, इससे नीचे का ही अपलोड करें, आसानी से अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के लिए इस चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको आपके फोल्डर पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जिस भी फोल्डर में आपने अपने फोटो और सिग्नेचर रखे हुए हैं वहां से क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद एक बार प्रीव्यू आपको दिखा दिया जाएगा, आप देख लीजिए कि आपका फोटो और सिग्नेचर सही से अपलोड हुआ है, आप जो चीज अपलोड करना चाहते थे वही अपलोड हुआ है या नहीं। यदि आपको कन्फर्म हो गया है तो आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, आपको एक ग्रीन कलर का अपलोड का बटन दिख जाएगा, आपको इस अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है, आपका फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। दोस्तों अगले इंटरफेस में आप लोगों को आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू दिखा दिया जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपने गलत फोटो या सिग्नेचर अपलोड कर दिया है तो यहाँ पर आपको डिलीट फोटो और डिलीट सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप डिलीट करके रीअपलोड कर सकते हैं। रीअपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको एक रेड कलर से एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो PDF फाइल के रूप में आपके सिस्टम में डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। चलिए अब इस फाइल का मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि आपका प्रिंटआउट किस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों आपने जो भी PDF फाइल डाउनलोड की है, चलिए मैं भी आपको एक बार इस फॉर्म का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। आपको इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना या फिर करा लेना है और अपनी अथॉरिटी में जमा करना होगा इस पूरे फॉर्म को अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं बता दूं कि जो भी फॉर्म फिलअप करने में आपको डॉक्यूमेंट्स लगे हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाकर जाना होगा, अथॉरिटी पर जमा कर देना होगा। फॉर्म के फर्स्ट पेज में आपको आपकी अथॉरिटी का नाम दिख जाएगा, आपको अथॉरिटी पर कागज जमा कर देना है। आपका जो भी लाइसेंस रिन्यूअल या फ्रेश की स्थिति में होगा वो कर दिया जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो किसी भी प्रकार का डाउट बचे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।